नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। मंडी शोक रोड बिजली विभाग लाइनमैन वासुदेव सिंह द्वारा ट्रांसफार्मरों की रिपेयरिंग को लेकर ट्रांसफार्मरों में तेल डाला गया। मथुरा में आंधी तूफान के मौसम को लेकर आए दिन ट्रांसफार्मरों में तेल कम होने के कारण फॉल्ट होता रहता है। फॉल्ट होने के कारण आज बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मरों में तेल डाला गया और रिपेयरिंग की गई, जिससे कि कोई बिजली से संबंधित लाइनों या तो ट्रांसफार्मरों में कोई फॉल्ट ना हो। ट्रांसफार्मरों को लेकर के कारण किया जा रहा है कि जब ट्रांसफार्मर टूट जाते हैं आंधी तूफान की वजह से, इस कारण हमें इसमें तेल वगैरह रिपेयरिंग सारी चीज़ें उसके कम्प्लीट करा के रखना पड़ता है। उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें तेल डलवाना पड़ रहा है, तेल हमारा कम हो जाता है, जलते जलते चलते चलते तेल भी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें सारे जम्पर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी क्लम्प्स हैं, तेल डलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तेल जब हमारा तेल पूरा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर तो उसको कैसे खोलते हैं। प्रदेश की योगी सरकार में ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था से उपभोक्ता त्रस्त हैं। उमस और तपिश भरी भीषण में गर्मी ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है। शिवगढ़ क्षेत्र में ना बिजली आने का कोई निर्धारित समय है और न ही जाने का। विडंबना है कि चुनाव के समय 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का ढिंडोरा पीटने वाले जनप्रतिनिधियों को उमस भरी गर्मी से बिल बिलाते लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता है। आलम यह है कि भीषण गर्मी के चलते दिन में पारा 46 डिग्री से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस समय दोपहर में उमस से बढ़ती है तो बिजली गुल हो जाती है। यही हाल रात का है, जब लोग खाना खा पीकर आराम करने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो बिजली गुल हो जाती है। मजबूरी में लोग रात को सोने के बजाय घर के बाहर टहलते दिखाई देते हैं। क्षेत्र के आक्रोशित उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो वे विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। खंडवा वन विभाग डिपो से गत दिनों निकला बांस का ट्रक पंधाना डिपो आने के बजाय 6 गांव माखन पहुंच गया और दलालों के माध्यम से बेच दिया गया, जिसमें 1760 बांस के नग थे। डिप्टी रेंजर शंकर सिंह चौहान घटना दिनांक 25 अप्रैल से अधिकारियों के कृपा पात्र बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई कार्रवाई न होने से जन चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराणा सेना भोपाल एवं प्रगतिशील क्षेत्रीय राजपूत संस्था द्वारा दिनांक 6 जून को सौर यात्रा का आयोजन किया गया। महाराणा सेना द्वारा वह समाज कल्याण सेवा देश हित में कई आयोजन करती है, जैसे जरूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट और सेना द्वारा पौधारोपण किया, और इस हेतु लोगों को प्रेरित भी किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र राजपूत द्वारा निभाई जाती है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।